हेलो दोस्तों, आज की रेसिपी है मिक्स वेज इडली। ये मिक्स वेज इडली बना है, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है दोस्तों। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी और स्पॉन्जी बनी है। आप एक बार जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनी है। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं, मिक्स वेज इडली कैसे बनती है। मिक्स वेज इडली बनाने के लिए 1 कप सूजी लिए हैं। सूजी से इडली बनाएंगे। सूजी को बाउल में डालेंगे। 1 कप सूजी तो 1/2 कप दही लिए हैं। सूजी में चॉप किया हुआ प्याज, गाजर और 2 हरी मिर्च ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च को भी चॉप कर लिए हैं, इसे भी देखिए बहुत छोटे छोटे पीस में काटे हैं। अदरक को ग्रेट कर लिए हैं, इसे भी ऐड कर देंगे। चॉप किया हुआ धनिया पत्ता, नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें पानी डालेंगे। देखिए दही वाला कप में पानी ले लिए हैं। सूजी के साथ सभी सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। देखिए 1/2 कप पानी और डालेंगे। 1 कप पानी डाले हैं और पानी नहीं डालेंगे। गैस पर तड़का पैन रख दिए हैं, इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिए हैं। पैन में चना दाल और उड़द दाल डाल दिए हैं। दाल को थोड़ी देर हिलाते रहेंगे ताकि दाल जले नहीं। अब इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, सरसों 1/2 चम्मच डालेंगे, हींग। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे ताकि तड़का जले नहीं। करी पत्ता डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे। तड़का तैयार हो गया है। तड़का को सूजी के बैटर में डाल दिए हैं। दोस्तों क्लिप शूट नहीं हो पाया, वीडियो ऑन करना भूल गए थे। इडली का बैटर पूरी तरह से फूल चुका है दोस्तों। अब इडली बनाना शुरू करते हैं। इडली बनाने के लिए इडली का बर्तन लेंगे, देखिए इसी में इडली बनाएंगे। इडली के साँचा में ऑयल लगा देते हैं। इडली के बैटर में डालने के लिए इनो लिए हैं। इनो डालने के बाद अच्छी तरह से मिला लेंगे। इनो पहले से नहीं डालना चाहिए, बनाने टाइम ही इनो डालें। अब इडली बनाना शुरू करते हैं। देखिए इडली के बर्तन चढ़ा दिए हैं, इसमें पानी डाल दिए हैं गर्म होने के लिए। अब इडली के सांचे में बैटर डालेंगे। इडली के सांचे को स्टैंड में लगा देते हैं। सारे सांचे में बैटर को डाल देंगे। देखिए बैटर डाल दिए हैं, अब इसे स्टैंड में लगा देंगे। इडली के सांचे को इडली स्टैंड में लगा दिए हैं। अब ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाकर 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट बाद चेक करेंगे इडली बना है या नहीं। मीडियम आंच में पकाएंगे, चेक कर लेते हैं इडली बना है या नहीं। देखिए बीच में चाकू डालकर देखेंगे। इडली बन गई है दोस्तों। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ठंडा होने पर इडली को सांचे से निकालेंगे। अभी गर्म है, अभी नहीं निकलेगा। इडली ठंडा हो गया, अब इसे निकाल लेते हैं। एक चम्मच लेंगे, चम्मच से निकालेंगे। दोस्तों मिक्स वेज इडली को देखिए सांचे से निकाल लिए हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही टेस्टी बना है ये। एक बार अभी ट्राई करें इसे।